हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं गाइस, हु इज स्पाइंग यू, कौन है जो आपको स्पाई कर रहा है, हु हैज स्पाइंग यू एंड हु हैज कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन आप पे नजर रख रहा है चोरी छुप के, कौन आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, और क्यों कर रहा है, आज हम देखने वाले हैं। सो रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। कौन है जो आपकी जासूसी कर रहा है, आप लोगों पे चोरी छुप के नजर रख रहा है, आपको आइडिया है या नहीं है, पता चल जाएगा आज आपको। अगर आपको पता है कि कौन है वो पर्सन तो मजीद क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं पता, नहीं आइडिया तो पता चल जाएगा। कौन आपको लेकर क्यूरियस हो रहा है, यू नो, सो लेट सी। रीडिंग जो गाइस कलेक्टिव है, ठीक है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिए। और मेरे इंस्टा को भी आप लोग जरूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी। ओके, वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जीज जो है वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। वी हैव फाइव ऑफ कप्स, डेफिनेटली वी हैव फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। फोर या फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का फोर और फाइव। And definitely with the five of cups and four of cups, this is the person from your past जो कि आपको reject कर चुका है, आपकी offer reject कर चुका है and now this person is checking you, आप लोगों पर नज़र रख रहा है, आप लोगों को लेकर काफ़ी curious है। ये person still आपको spy कर रहा है और आपके बारे में definitely जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कि उतना ज़्यादा इस person को guilt हो रहा है, जितना आपको ये check कर रहा है, जितना आप पे नज़र रख रहा है ना, उतना ज़्यादा इस person को regret हो रहा है कि इसने आपको खो दिया है, आपको छोड़ दिया है। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों का रिलीजन का डिफरेंसेस थे, दैट्स वाई इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी ऑफर रिजेक्ट कर दी, बिकॉज ये पर्सन आपका लव प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये वो टाइम याद कर रहा है जब इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था और शर्मिंदा हो रहा है ये पर्सन। वी हैव टेम्परेंस, इस पर्सन के लिए सब्र करना बहुत ज़्यादा गाइज मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन हील करने की अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन हील हो नहीं पा रहे। बिकॉज जैसे ही पर्सन सोचता है ना कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, बड़ी बुरी तरह से आपका ऑफर रिजेक्ट किया, और अभी इस पर्सन को लाइफ में ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा अनहैप्पी है कि इसको कोई भी चीज़ लाइफ में खुश नहीं कर रही, कोई भी चीज़ इस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। दिस पर्सन इज़ लाइक टोटली इनसेटिएबल पर्सन, कि जो किसी भी चीज़ से जो है ना वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है जो इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दिया है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको जितना चेक करता है, जितना आप पे नज़र रख रहा है, उतना ज़्यादा इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर एम्बैरेसमेंट होती है, उतना ज़्यादा ये पर्सन गिल्टी फील करता है, उतना ज़्यादा इस पर्सन को अपना फॉल्ट फील होता है। राइट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डार्क साइड पर चल रही हैं, कोई खुशी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, कोई इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग नहीं है। ये हील होने की, बैलेंस लाने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा है लेकिन इमोशनली दिस पर्सन इज टोटली इनस्टेबल। स्टेबिलिटी तो इस पर्सन की लाइफ में मुझे दिख ही नहीं रही है ना इमोशनली। ये पर्सन क्योंकि पास्ट के पछतावे पे बैठा हुआ है, राइट नाउ इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें मिल भी रही हैं तो वो इसको चाहिए ही नहीं है, खुशी नहीं मिल रही कोई। यानी यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है तो डेफिनेटली टेम्परेंस इज टॉकिंग अबाउट पेशेंस। ये पर्सन के लाइफ में पेशेंस ही नहीं आ रहा, इसको ऐसा लग रहा है सबर ही नहीं आ रहा जो ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर चुका है या फिर किसी तरह से आपसे ब्रेकअप कर चुका है। होता है ना, कुछ लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं तो उनको सबर आ गया है, लाइक उनकी लाइफ सही मस्त जा रही है, बट इसकी लाइफ में मस्ती कोई आ ही नहीं रही। एट द स्पॉट चाहे उस टाइम लग रही थी कि बड़ा सुकून में रहेगा बट ऐसा है ही नहीं। सेजिटेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, नंबर 14 एंड 5 इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 है, 14 1 प्लस 4 5, तो डेफिनेटली 5 नंबर हमारे पास कन्फ्लिक्ट का होता है। आपके जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हैं ये पर्सन के साथ जो रिजॉल्व नहीं हुए या फिर किसी तरह से इसने खुद ही वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया आपके और इनके दरमियान, आपको रिजेक्ट करके, आपको छोड़ के, इवन कि कुछ लोगों की तरफ से आपके हस्बैंड वाइफ जिनके साथ आपका कोई डिवोर्स हो गया है वो भी आपके चेक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि वो अब आपको छोड़ के आपके साथ हर रिश्ता ख़त्म करके पछता रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं आ रहा, उसकी लाइफ में कोई मॉडरेशन ही नहीं आ रही, उसकी लाइफ में कोई हीलिंग ही नहीं आ रही, उसको सब्र ही नहीं आ रहा। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स अगेन गाइस, इट्स अ वेरी यू नो नेगेटिव एनर्जी। इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस पर्सन को लग रहा है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपके दरमियान जो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है इस पर्सन ने बढ़ा दी है, मतलब दिस पर्सन क्रिएटेड अ लोड ऑफ फस गाइस।
इन दिस कनेक्शन। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे सिचुएशन कि अब ये चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि रिस्क पे बेस कर रही हैं। अगर ये पर्सन रिस्क ले सकता है तो ले, अदरवाइज ये पर्सन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ऐसा कि मतलब जान पे खेलना बन चुका है बस, कि इस पर्सन को खुद ही अब कोई ना कोई एफर्ट करनी है अगर ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि क्यूरियस हो रहा है ना ये पर्सन आपको लेकर। इस पर्सन की नज़र आप पे है कि इसको लगता है शायद आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हो। इस पर्सन ने आपको डिफिकल्ट में डाला, डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला, या आपके साथ किसी तरह से कोई चैलेंजेस इस पर्सन ने इस कनेक्शन में चैलेंजेस बना दिए, ठीक है, या फिर किसी तरह से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी आपके और इनके दरमियान। तो इनको लगता है कि आप लोग इस सब ब्लॉकेजेस से, इस ड्रामे से निकल चुके हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके और इस पर्सन के दरमियान कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रही है, जो कि जिस वजह से कनेक्शन जो है काफ़ी ड्रामेटिक बनता जा रहा था। और इस पर्सन ने उस अब उसको लगा कि आपको निकाल के इसकी लाइफ में ड्रामा खत्म हो जाएगा, बट नो, देर इज गोइंग अ लॉट ऑफ ड्रामा इन दिस पर्सन लाइफ। काफ़ी ड्रामा चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, और इस पर्सन को लग रहा था शायद आप ड्रामा हो, बट नो, अब पता लग रहा है कि ड्रामा वो आप नहीं हो, उसकी लाइफ में दूसरे लोग ड्रामा थे जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ ड्रामा बनाया था। तो इसको लग रहा है आप फाइनली इस कनेक्शन से आज़ाद हो चुकी हो, और आप आज़ाद हो के अपनी लाइफ में आप टोटली बैलेंस्ड हो, आपको सब्र आ चुका है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट हो चुके हो, आप मॉडरेशन की तरफ जा रहे हो, हीलिंग हो चुकी है आप लोगों की, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ठीक है, और आप टोटली यू नो अपने इमोशंस को बैलेंस कर चुके हो। और जितना ज़्यादा आपको बैलेंस देख रहा है अपनी लाइफ में, आपको ये पर्सन फूल की तरह फ्री देख रहा है हर प्रॉब्लम से, हर इशू से, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है ना आप लोगों को लेकर जो भी इसने किया ना शर्मिंदा हो रहा है उतना ये पर्सन। तो ये होना भी चाहिए ऐसे लोगों को वैसे रिग्रेट, है ना, जो लोग ऐसे करते हैं। तो रिग्रेट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी एंड एरियस लियो सैगिटेरियस एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सैगिटेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो इज ऑल्सो। 555 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आपके और इनके दरमियान जो है, ये पर्सन अब उन चीज़ों को देख रहा है, रिजोल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब वो एक चीज़ जो है वो अब सिर्फ रिस्क बेस्ड है। अगर ये पर्सन रिस्क ले सकता है, इतनी पावर है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ सकता है, अदरवाइज के लिए पर्सन आपको बस चेक ही करता रहेगा, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। 10 of Swords, ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से हर्ट करके गया, आपको चीट करके गया है। इस पर्सन ने आपको लिटरली आपको ऐसा ब्लीड आपने किया है, इस पर्सन ने आपका जो ट्रस्ट ब्रेक किया है, उस वजह से ये पर्सन इस टाइम काफी एम्बेरस्ड हो रहा है। राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट ऑफ पेन, ये खुद भी पेन में है। जो पेन में आपको दी थी ना, आप तो उससे से इसको लग रहा है निकल चुके हो, आप फ्री हो चुके हो, आपने हर चीज़ को सरेंडर करके अपने आप को आज़ाद कर दिया है, ठीक है, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर ली, आपकी रिबर्थ हो चुकी है। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ की रिबर्थ नहीं कर पा रहा, स्टिल ये पर्सन पास्ट के रिग्रेट पे बैठा हुआ है, पास्ट के रोना धोना इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि इसने क्यों कर दिया। क्योंकि एट द स्पॉट जब आप कुछ कर रहे होते हो तब तो आपको पता नहीं चल रहा होता ना आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। स्पेशली ऐसे लोग जो गलत कर रहे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि वो दूसरों का हर्ट कर रहे हैं, तो बदले में कल को उनको भी हर्ट मिलना है। बट इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया गाइस, डिस्ट्रस्ट किया है डेफिनेटली। अब लगता है आपको इस पर्सन पे कोई ट्रस्ट नहीं है और ना ही आप करना चाहते हो। वी हैव विजडम, यस, इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है गाइस। वी हैव 20 विजडम, इट्स अ सैगिटेरियस एनर्जी, जजमेंट एनर्जी है ये पर्सन की लाइफ में इस टाइम। इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। अगर ये आपको किसी और की वजह से रिजेक्ट करके गया था, ठीक है, और अब ये पर्सन को वहाँ पे रिजेक्शन मिली है, वहाँ पे इस पर्सन को हार्ट ब्रेक मिला है, चीट मिला है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इस पर्सन का, तो अब इस पर्सन को इसका कर्मा मिला है। और इस पर्सन को जब कर्मा मिला है तो ये आपको चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो जब आप कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आज़ाद हो चुके हो, ठीक है, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी हर्ट कर रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन की नज़र आप पे है कि आपने अपने आप को कैसे हील कर लिया, आपने इतना पेशेंस कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सिचुएशन सारी जो है बेसिकली इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम चल रही है। ये पर्सन अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहा है जो इसने आपके साथ किया था। बैक टू बैक एनर्जी यहाँ पे हार्ट ब्रेक की आ रही है, बैक टू बैक एनर्जी यहाँ पे चीटिंग की आ रही है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, आपके दिल को अपने दिल से जो है वो डिसकनेक्ट किया, इस पर्सन ने कनेक्शन एंड किया, आपको ब्लॉक किया, आपको रिजेक्ट किया, आप लोगों ने सेपरेशन किया। उस चीज़ की वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी एम्बेरस्ड है और आपको चेक कर रहा है। दैट्स वाई वी हैव किंग ऑफ कप्स। नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप के लिए ये पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपको ये पर्सन इस टाइम कितना चाहता है। अब ये पर्सन की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपको लेकर। आप कितना चाहते थे इस पर्सन को पास्ट में, जो इस पर्सन ने आपको दुखी किया, वो चीज़ें ये पर्सन को समझ आ रही हैं। एंड आई फील लाइक ये पर्सन या तो किसी तरह से जर्नलिंग कर रहा है, या फिर ये पर्सन अपने इमोशंस को या जो फील कर रहा है उसको रिटर्न करता है, लिखता है, जर्नलिंग करता है, डायरी लिखता है। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड।
अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं निकालने के लिए इसको जो जगह नहीं मिलती, तो ये फिर जर्नलिंग करना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है अपने इमोशंस को जो राइट नाउ आपके लिए फील कर रहा है, जो आपको इसने दुख दिया है वो सब चीज़ें ये पर्सन लिखता है। हो सकता है ये पर्सन डायरी वगैरह लिखता हो, कुछ लोगों की ये नेचर होती है, अगर वो कुछ कह नहीं पाते तो डायरी लिखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं जर्नलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पर्सन की मुझे वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो अगेन वी हैव थ्री। यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से एज 23, 25, 24, 21, 20 ये दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है ये, अदरवाइज 30 प्लस भी है, 34, 35, 31, 32 एंड 30। एंड गाइज यहाँ पे जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, 555 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस 555 बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये आपको काफी ज्यादा, अब गाइज ये पर्सन स्पाई है इसीलिए कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि अब ये पर्सन आपके इमोशंस को बेसिकली अंडरस्टैंड कर चुका है और ये आपको लेकर काफी इमोशनल हो रहे हैं। जिस तरह से इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से आपको रिजेक्शन दी, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके प्रपोजल, आपकी ऑफर को रिजेक्ट किया, नाउ ये रियलाइज कर रहा है कि जब किसी के लव को आप रिजेक्ट करते हो तो तब क्या आपकी हालत होती है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट किया, थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको बैक स्टैबिंग की, आपको चीट किया, आपको दुख दिया। तो अभी ये खुद भी काफी ज्यादा पेन में है आपको चीट करके, ये पर्सन को भी बदले में चीटिंग मिली है। याद रखिएगा एक बात, जो पर्सन आपको चीटिंग करता है उसको बदले में चीटिंग मिलती है, क्योंकि ये कार्मिक है, इसका कर्मा, ये पर्सन अपना कर्मा जो है फेस कर रहा है और बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू बेसिकली इस पर्सन को क्या है वो समझ आ रही है। वी हैव पुलिस स्टेशन, यस ये पर्सन का क्या कसूर है इस पर्सन को आप समझ आ चुका है, बिकॉज अ पुलिस स्टेशन, तो ये इसको समझ आ चुकी है कि इसका क्या था, अब एक तरह से गलती क्या थी, वो इसको उस गलती के ऊपर इस पर्सन को यूनिवर्स ने पकड़ लिया है। लाइक इस पर्सन को लग रहा है ये अरेस्ट हो चुका है यूनिवर्स की साइड से। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यस इस पर्सन को लगता है यू गाइस आर वेरी स्पिरिचुअल, आपके पास हो सकता है आपने इस पर्सन को ये भी बोल दिया हो इवन कि ये पर्सन आज आपको हर्ट कर रहा है, कल बदले में इसको भी हर्ट मिलेगा, तो इसको लगता है आपकी प्रिडिक्शन सही थी बिल्कुल। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ है, आप हीलर हो सकते हो, मेडिटेटर हो सकते हो, किसी तरह से स्पिरिचुअल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, दैट्स व्हाई फीलिंग लाइक शिट। इस पर्सन को लग रहा है ये एक शिट है, इसकी आपकी नजर में इसकी वैल्यू एक शिट की तरह है, लाइक अब ये कुछ भी नहीं है आपकी नजर में। वी हैव कार्मिक टाइज, यस दिस पर्सन इज ऑल्सो फील कि ये पर्सन अपना जो भी कर्मा है वो फेस कर रहा है, क्योंकि इसने जैसा किया वो अब भुगत रहा है। पहले ही हो सकता है ये पर्सन कर्मा में बिलीव नहीं करता था, बट राइट नाउ जब कर्मा मिल रहे हैं तो ये पर्सन बिलीव कर रहा है। आई मिस यू, ये पर्सन आपको बहुत याद करता है, ये पर्सन आपसे रोमांस करना चाहता है और ये पर्सन विश कर रहा है कि किसी तरह से आपसे रोमांस हो, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन पास में फेक बिजी बनता था, आपको कहता था ये बिजी है बिजी है, जबकि वहां पे थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन अपने ही कोई मस्तियों में लगा होता था, ठीक है। बट राइट नाउ ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, इसको लगता है आप इस पर्सन को बिल्कुल याद नहीं करते, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और रोमांस आ गया, आप हो सकता है कोई रोमांटिक पोस्ट कर रहे हो, रोमांटिकली कोई ना कोई लव यू नो पोस्टिंग कर रहे हो, दैट्स वाई इनको लगता है कि शायद आपको इसको याद नहीं करते और वही चीज़ें इस पर्सन को एक शिट की तरह फील करवा रही हैं, कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, रोमांस आपके साथ करना चाहता है और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन विश कर रहा है कि काश ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ सके और दोबारा इसका और आपका रोमांस स्टार्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि ये पास में हो सकता है इस पर्सन ने बड़े ड्रामे किए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो बात ही ड्रामे की कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और से मैरिड हो चुका था, किसी और से शादी कर ली, वहाँ पे भी ये पर्सन कोई खुश नहीं है, आपको याद कर रहा है क्योंकि वहाँ पे इस पर्सन के कर्मा थे। हो सकता है ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर ली और वो फाइनली वहाँ पे आपको कर्मा ऐसा मिल रहा है कि मैरिज भी खत्म हो गई है, मैरिज में दूसरे पर्सन ने इसको यहाँ तो बनी नहीं है आपस में, उसकी कोई अच्छी उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी ने उसने उसको चीट कर दिया है, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है। और अब ये पर्सन विश कर रहा है किसी तरह से इस पर्सन की आपसे काफ शादी हो गई होती, आपसे रोमांस बन गया होता, तो आज को ये दिन इस पर्सन को ना देखना पड़ता, क्योंकि स्टिल ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।